What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 6 दिसंबर 2019 फ्राइडे है, सुबह के 8:08 हो रहे हैं। फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल हमने देखा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आया, रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। आरबीआई का ऐसा मानना है कि अभी जो गवर्नमेंट ने मेजर स्टेप्स लिए हैं उससे इकोनॉमी में रफ्तार तेजी आ सकती है, क्योंकि अभी जो फेस्टिवल सीजन हुआ है उससे सेल्स के आंकड़े भी काफ़ी अच्छे आए हैं। फिर जो कॉरपोरेट टैक्स अभी सरकार ने कम कर दिया है, तो इसका ओवरऑल व्यू जो है वो हमें Q3 के रिजल्ट्स जब आएंगे उसके बाद पता चलेगा। तो आरबीआई ने अभी फिलहाल डिसीजन होल्ड करके रखा है। उसका मानना है कि इकोनॉमी यहाँ से रफ्तार तेजी पकड़ सकती है। फिर बजट भी आ रहा है, फेब्रुवरी के फर्स्ट डे बजट पेश होगा, उसमें भी गवर्नमेंट मेजर स्टेप्स अनाउंस करेगी। तो ओवरऑल इन सब का व्यू लेकर आरबीआई जो है वो आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी में अपना डिसीजन जो है उसके ऊपर काम कर सकती है। तो फिलहाल अभी आरबीआई का ऐसा मानना है कि यहाँ से इकोनॉमी में तेजी रफ्तार पकड़ सकती है, तो इसीलिए ये यहाँ पर कोई भी चेंजेस रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो इसका असर निफ्टी और मार्केट के ऊपर क्या गिरेगा, आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। यह एक पिक्चर है कल का, यानी 5 दिसंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,054 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,011। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट टारगेट था इसी के पास एग्जैक्ट ये निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ। उसके बाद जैसे ये साउथ की तरफ मूव हुआ और फिर से जब ऊपर की तरफ जाने लगा, तो हमारा ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर अचीव्ड हुआ, जो कि 12,069 था। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, काफ़ी एक स्लगिश पैटर्न में यहाँ पर मूव हो रहा था, क्योंकि बड़ा इवेंट था कल। और जैसे ही आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आया तो ये शार्प फॉल देखने को मिला, और एग्जैक्ट इसने हमारा ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया। ये ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करने के बाद फिर से ये जब टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव हुआ, तो फिर से एक बार इसने ब्रेकआउट लेवल ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट को अचीव किया और फिर टूवर्ड्स साउथ की तरफ ये मूव हुआ। तो काफ़ी एक साइडवेज पैटर्न में था कल निफ्टी इंडेक्स। तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 7,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के भी हालात देख लेते। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक हल्के से बढ़त के साथ बंद हुए। फिर से डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक ट्वीट आया था कि जो यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील चल रही है वो अच्छे स्तर पर अभी शुरू है, तो पॉजिटिव उम्मीद की जा रही थी कि अभी जल्दी से ये ख़त्म हो। लेकिन कभी कभी इसके अलग ट्वीट आ रहे हैं कि इसमें देरी हो सकती है, तो यहाँ से हमें फिर से एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलता है। तो जैसे ही इनके बयानबाजी चल रही है ट्रंप साहब की अमेरिका की तरफ से या फिर चाइना की तरफ से, उसका असर हमें ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो वहाँ पर कल मिला जुला कारोबार देखने को मिला, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो अभी इस समय जापानीज इंडेक्स, चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 41 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी 26 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल एशियाई बाजार पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। चलते हैं वीकली चार्ट से शुरू करेंगे निफ्टी के। उससे पहले जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ट्रेडिंग फैब ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। एक ऑफर है, अगर आप कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर फाइव पैसा हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो हमारी इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप आपको फ्री में मिल सकती है। तो इसके लिए आपको सिर्फ करना क्या होगा, यहाँ पर जो भी आपको अकाउंट ओपन करना है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, फिर एक वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपका डिटेल्स आपको फिल करना है, कंटिन्यू करना है। ऑनलाइन प्रोसेस है, एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको जो क्लाइंट आईडी मिलेगा वो हमें कॉल करके आपको कंफर्म करना है इस नंबर पर, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें।
तो ये एक ऑफर था सबके लिए, उसके बारे में मैंने बता दिया। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह वीकली चार्ट, वीकली चार्ट के हिसाब से, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से अभी भी निफ्टी इंडेक्स ने प्रीवियस, ये जो प्रीवियस वीक का हाई और लो है, यानी ये हाई और ये लो, इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया। इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है एज पर वीकली चार्ट। तो यहाँ पर इनडिसिजिव पैटर्न है, हमें मंडे से ही देखने को मिल रहा है एक वोलेटाइल मूव, रोलर कोस्टर जैसा, नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर आ रहा है निफ्टी इंडेक्स। तो यहाँ पर बुल्स और बेयर्स में काफी टफ फाइट चल रहा है। तो एज पर वीकली चार्ट यहाँ पर 12,114 का रेजिस्टेंस है, और नीचे जहाँ पर इसने लास्ट थ्री वीक्स यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया था, ये मेजर सपोर्ट होगा 11,872 का। ये एज पर वीकली चार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर अभी ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल से इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो हमें, या फिर इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो हमें आने वाले ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल सकता है। तो ये फिलहाल अभी वीकली चार्ट का सिनेरियो बना हुआ है। ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग हर वक्त देखने को मिल सकती है। तो डेली चार्ट पर चलते हैं। ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट का जैसे कि हमने कहा था, यहाँ पर 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने सपोर्ट टेस्ट करके एक बाउंस बैक दिखाया। कल इसने हायर हाई हायर लो बनाया, यानी प्रीवियस कैंडल का ये जो हाई और लो है, इसके ऊपर ये करंट कैंडल का हाई और लो है, लेकिन कैंडल जो बना है वो बियरिश कैंडलस्टिक बना है। और अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो अभी यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये टूवर्ड्स डाउन ट्रेंड हमें दिखा रहा है। अगर यहाँ पर ऐसा फिर से अगर हायर आई हायर लो का पैटर्न बनता है लाइन चार्ट में, और ये जो ऑल टाइम हाई इसने क्रिएट किया था, ये अगर ब्रेक होता है तो ही अपसाइड रैली यहाँ से कंटिन्यू हो सकती है, ऐसा हम टेक्निकली यहाँ पर कह सकते हैं। RSI और प्राइस एक्शन को कंपेयर करें तो अगर ये प्रीवियस जो रैली थी अप ट्रेंड की, इसका प्राइस एक्शन में अगर आप देखें, जब प्राइस एक्शन में हायर हाई बन रहा था तभी RSI भी हायर हाई बना रहा था। ये देखिए प्रीवियस हाई से ऊपर है ये वाला हाई, लेकिन जब प्राइस एक्शन में नेक्स्ट हाई बना हायर हाई, तो RSI में यहाँ पर लोअर हाई बना रहा था। तो ये क्लियरली निगेटिव डाइवर्जन है। तो हमने प्राइस एक्शन में भी यहाँ से फॉल देखा। तो अभी यहाँ पर अगर ये फिर से ये जो रिकवरी है हमें देखने को मिली, अगर ये फिर से और बढ़ती है, ये और टूवर्ड साउथ की तरफ अगर बढ़ता है करेक्शन, तो 20 EMA को ये अगर ब्रेक करता है तो और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव यहाँ से देखने को मिल सकती है। ये टेक्निकली अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करे, और ऊपर जाने के लिए इसको ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, तो यहाँ से रैली टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ एक्सटेंड होते हुए हमें दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल डेली और वीकली चार्ट का अभी ऐसा सिनेरियो है। ये वीक पूरा कंसोलिडेशन है, एक साइडवेज पैटर्न में हमें निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिखा है। तो आज क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। ये 60 मिनट का चार्ट है। कल हाफ एन आवर का ये जो कैंडल बना है, लास्ट हाफ एन आवर का, ये इंडिसिजिव कैंडल है, बोरिंग कैंडल इसे कहा जाता है। काफ़ी बड़ा टेल छोड़ दिया है ऊपर, और नीचे भी टेल छोड़ दिया, और जहाँ पर ओपन हुआ था इसी के पास आके ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर अगर ये इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है, यानी 12,041 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का 12,066। ये लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,082, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो 100 EMA का फर्स्ट सपोर्ट है, उसके नीचे कल का लो है, यानी 11,999 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का इस वन का लेवल 11,984, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,966, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले।
So thank you very much. Happy trading and a happy weekend.